टी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ट्रिपल सी की क्लास में आज कुछ इंटरनेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्या हो गया, क्या होने वाले हैं? ठीक पहला क्वेश्चन क्या हुआ? पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वायरल सेक्शन ऑफ इंटरनेट। इसमें से कौन सा इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन है? चैट मैसेंजर, सोशल नेटवर्किंग, ट्यूटोरियल साइट, सोशल साइट है, सोशल नेटवर्किंग साइट। अगला है, उस वेबसाइट जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती है उसे क्या कहते हैं? क्या? नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग तो बैंक से रिलेटेड है, पूरा जज्बात और बदल जाएगा। सोशल नेटवर्किंग साइट। अगला क्वेश्चन ये बताइए, ये हो रही है। अपने आप हो रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। बता देंगे, फिर पढ़ लीजिए। कह रहे हैं, कई सोशल मीडिया और साइटें बैंक खाता सत्यापन के लिए प्रदान करती है रेटिना स्कैन, फिंगर प्रिंटेशन कहता है, या टू स्टेप। क्या लग रहा है? डी हो सकता है, टू स्टेप वेरिफिकेशन, यही होएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी नहीं है, यानी टेक्निकल टर्म नहीं है, कौन सा? साइबर स्पेस, अपलोड, लाइट स्टोरेज मॉडल। क्या बात है, आज लगा कि बड़े होने वाले को फर्ज निभाए उसने। क्या लग रहा है इसको? लाइट स्टोरेज, लाइट स्टोरेज। अगला बहुत आसान है, जानते हैं आप लोग, कई बार रिपीटेड है। क्या होगा? सिंपल मिल, ठीक है। ईएम, ईएम का मतलब क्या होता है एसएमटीपी में? सिंपल अभी क्या बोले हैं, सिंपल मेल ही बोले हैं ना, तो यहाँ पे मेल ही होगा। डब्ल्यूडब्ल्यू का पूरा नाम, मेल सर। इंटरनेट की मदद से जो किसी विषय पे पढ़ना या सीखना, क्या कह रहा था, किसका उदाहरण? हाँ, क्या बोल रही हो? बी ही होगा, कहाँ सी तो कभी किसी हाल में भी नहीं होगा। ई लर्निंग बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेथड। क्या बोलते हैं? ई लर्निंग। अगला, इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा लोगों के समूह के बीच क्या कर सकते हैं? चैटिंग, फोटो शेयर, वीडियो क्लिप, से आला दे। अच्छा भारत में इंटरनेट किसके माध्यम से शुरू हुआ था? किसके माध्यम से कहा है? तो राइट आंसर होगा VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। इसने प्रोवाइड किया BSNL को, भारत संचार, भारत में स्टार्ट हुआ था BSNL नाम था, और उसको प्रोवाइड करने वाला कौन था? VSNL, विदेश संचार निगम। आई थिंक VSNL होगा, जहां तक मेरा मानना है। सही लिख लीजिएगा, भारत में इसने दिया था, BSNL ने। BSNL का पूरा नाम क्या होता है? क्या? विदेश संचार निगम लिमिटेड। और BSNL का क्या होता है? भारत संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड लगता ठीक है।
चलिए बाकी लिख लीजिएगा आप लोग अगला 20 और ये लिख लीजिए। मैं होगा मैक का एड्रेस क्या होता है? मोबाइल एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। हो गया करिएगा इसी करे बताइए अगला क्वेश्चन बताइए एक क्वेश्चन पढ़िए बताइए ऊपर होगा क्या पूछा है सुन लीजिए पहले। व्हाट इज द यूजर नेम इन ईमेल, व्हाट इज द यूजर नेम एड्रेस लर्न विद संजेश इन्फो एट द रेट, इसमें कौन सा यूजर नेम है? तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, क्योंकि एट द रेट से पहले जितना भी होता है सब यूजर नेम कहलाता है। मैंने पढ़ाया हूँ ये बात, कहाँ स्पेस अंडरस्कोर है ना, क्या दिक्कत है उससे? दिखाई नहीं दिया तो नहीं है उससे क्या मतलब है? यहाँ है ना, यहाँ लाल पट्टी नहीं है। मैंने पढ़ाया है ईमेल आईडी, जब आप लोग पढ़ाया था तभी बात कही थी। ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु बारे में बताती है? ट्रू। क्वेश्चन में क्या पूछा सुने हो? पूछा है ईमेल भेजते समय कौन सा विषय बताती है, सब्जेक्ट देती है ना। ठीक, अगला है इन विच केस ऑफ्टन ईमेल हैपेंस, जो आपका ईमेल होता है प्राय किस केस में होता है? अपर, मिडिल, लोअर, इटैलिक? लोअर। आई थिंक लोअर इज द राइट आंसर, चेक कर लेते हैं। त्रुटि को क्या कहते हैं, मतलब एरर को और क्या कहते हैं? बग या डीबग? जब त्रुटि नहीं है तब डीबग होगा, बग मतलब होगा। चेक कर लेते हैं, कंफ्यूज लगते हैं आप लोग करने, चेहरा ऐसा बनाते हैं आप लोग। क्या कहा है? एंड प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग बग, यानी कि प्रॉब्लम को जब दूर करते हैं उसे फिक्स करते हैं सही करते हैं तो उसे डीबग करते हैं, त्रुटि रहित डीबग, डीबग। ठीक है, मतलब कुछ फॉल्ट हो, एरर हो तो उन्हें बग बोलेंगे, जब उन्हें सॉर्ट आउट कर देंगे, फिक्स कर लेंगे तो दैट इज डीबग। एट द रेट इज यूज टू एड ईमेल एड्रेस, किसको किसको जोड़ने का काम करती है? यूजर नेम। किसको? यूजर नेम। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेब सर्वर, ब्राउजर है? हमको लगा अपैच होगा भैया, अपैच या फाइनो लग रहा है मुझे, मुझे लग रहा है, आप लोग क्या लग रहा है? कई तो अपाचे पढ़ दिए होंगे उसको। सही है ना। अगला है एचटीटीपी,
एक यूआरएल दिया हुआ है, सॉरी आंसर ही बताया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पूरा नाम होता है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पता है ना यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है? एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एड्रेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट आर वेब पेज है, या ये सभी? कितने कितने उसी से जा रहे हैं, क्योंकि उसी सी सही है इसीलिए बोला मैंने, से आधा बेहद होगा नहीं, हार्डवेयर ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस कौन क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस बना होता है किससे, बनता है मेल, कितने पार्ट में आई मीन बनता है? नेम वेरी गुड, गलत आंसर, पार्ट यूजर नेम और डोमेन नेम करता है। क्या पार्ट क्या ईमेल आईडी में क्या क्या होता है थोड़ा बताना, वही और तीसरा क्या होता है? वो एड्रेस तो जोड़ता है ना एट द रेट, काम अभी जब हम लग रहा था कॉपी पेस्ट कर रहे तभी रेट में हाईलाइट भी था। खत्म हो गया, 20 क्वेश्चन बताओ, 20 क्वेश्चन खत्म कर लिया। चलो बहुत जल्दी हो गया ना, चलिए कर क्या था, इंटरनेट था कल हुआ, ये भी शायद कराची में आया है, कराच में थ्री जनवरी नहीं करा है। अच्छा हाँ ये इंटरनेट के क्वेश्चन है। उमंग ऐप भारत में कब शुरू किया गया था? तेईस नवंबर 2017। बढ़िया क्वेश्चन मिल गया, Q3 लिख लीजिएगा, हेडिंग बना लीजिएगा Q3, Q3 जनवरी जैन। क्या होता हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, temple123 एट द रेट yahoo.com में यूजर नेम क्या है, जानते हैं क्या? क्या होगा? ठीक, ब्लॉक अगला, ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखने वाले को बोलते हैं? हम जीमेल में अधिकतम कितनी सारी की फाइल अटैचमेंट कर सकते हैं, इन दोनों में से देख के बता दीजिए क्या होगा। इतने पागल है सब, लिख वहां है 25 MB ना जी, जब ड्राइव के बारे में पूछेगा कितना स्टोरेज होता है, तो 15 GB होता है, वो जीबी होता है, इसीलिए दुख है, दो ही ऑप्शन देख के बताइए, हम जान रहे थे अभी 15 बोलोगे, तुम इतना भरोसा है मुझे, आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ कि गलत बताओगे। 25 MB, ठीक है, ये बताओ, जो लिखी गई कौन सी सोसाइटी का उदाहरण नहीं है? लिंक्डइन, ऑप्शन सी हाँ जॉब प्रोफेशन के लिए, हाँ अभी ये भी तो वही सोशल साइट्स का ही एग्जाम्पल है ना, लिंक्डइन, लिंक्डइन जॉब प्रोफेशन के लिए होता है भाई,
उसमें भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं जॉब के रिगार्डिंग। लिंक्डइन जॉब प्रोफेशन है पता है ना, रुक जाइए। अरे परचेजिंग के लिए है, सोशल साइट नहीं है। अरे अमेजन पे बातचीत करते हैं, कॉमन सीजन उसका ही है ना, सीधी सीधी बात खत्म हो गई। हाँ प्रोडक्ट परचेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो जानते हैं आप लोग, पीओएस का पूरा नाम देख के बताइए, एक ही ऑप्शन देख के बताइए, यही होगा और और नहीं नीचे दिखाएंगे, ये देख के बताइए। मैं कह रहा हूँ वही देख के बताइए तो नहीं मानेगा तो नहीं, हमारी और क्या मान लिया होता है, नहीं लिख लो पीओएस का होता है पॉइंट ऑफ सेल। तो फाइन करते रहें जरा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन। सर्वर में मेल बॉक्स में ईमेल डाउनलोड करने के लिए बताया है, डाउनलोड करने के लिए क्या होता है, एफटीपी होगा नहीं, एसएमटीपी होगा नहीं, अब बताओ। पीओपी थ्री कई बजे हो चुका है, 2FA का पूरा नाम क्या होता है, 2FA लिखा है ना, पी के टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लिख लो। ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन क्या हो गया है, टू का फैक्टर ऑथेंटिकेशन भाई, उन्होंने होली अलाउ नहीं होता है क्या, मतलब रंग नहीं लगा सकते, हाँ या ना, क्यों, मतलब अगर होता तो सबके लिए होता है ना, क्योंकि आपके कॉस्ट में कई लोगों मैंने देखा है खेलते हुए, नहीं नहीं लोग भी बात नहीं है, ऐसा कहीं स्टेटमेंट लिखा नहीं है ना, मतलब लोग मना करते हैं, बात अलग है, जैसे कि आप मतलब कि आपने बुक वगैरह पढ़ी होगी अपने जो भी हो कुरान वगैरह, तो कहाँ है, लेके आइएगा फिर नहीं, अगर स्टेटमेंट होगा तो जरूर दिखेगा, क्योंकि देखना है ना, क्योंकि चीजें करेक्ट करनी चाहिए वैसे, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि गार्जियन मतलब कि घर वाले नहीं अलाउ करते हैं, सिर्फ यही बात है और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि अगर उसमें होता तो सब लोग फॉलो करते, क्योंकि जैसे कि एक तो ये भी कहा गया है बुक में वैसे, लेकिन लोग नहीं फॉलो करते, जैसे कि आप लोग में शराब पीना हराम होता है, लेकिन ये तो कही गई है अब जबकि बात स्टेटमेंट है भी, लेकिन फिर भी लोग कई लोग हैं नहीं मानते, कुछ लोग नहीं, 80% लोग नहीं मानते, क्योंकि आजकल एक नया जनरेशन आ गया है ना, अलग ही लेवल। वही ना बात मैं बोला हूँ ना, जो कुछ स्टेटमेंट है जो मानना पड़ेगा, इनको स्टेटमेंट लोग ऐसे बना देते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला, एसएमटीपी का प्रयोग किस तरह के मैसेज भेजने के लिए किया जाता है, ये आया हुआ है क्या लग रहा है, सी क्वेश्चन ये क्वेश्चन आया हुआ रिपीटेड है, फिर भी नहीं बता पा रहे आप लोग, यूएसएसडी का लाभ उठाने के लिए क्या यूज करें, क्या डायल करें, *99H लिख लीजिएगा, यूएसएसडी का यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा दे रहे हैं, यूएसएसडी का भी लिख लीजिएगा, और लिख लीजिएगा आप लोग जो निकालते हो IMEI नंबर होता है ना,
आइडेंटिफिकेशन मोबाइल इक्विपमेंट, हाँ वो उसके लिए होता है स्टार हैश जीरो सिक्स हैश, वो भी नोट कर लीजिएगा, EMI नंबर निकालेंगे बस क्या होगा स्टार डबल नाइन है। 10 क्वेश्चन रहने दीजिए, बहुत हो गया, और 23 देना अभी जाके, ठीक है 50 क्वेश्चन नहीं जाने हैं, घर जाने हैं, ठीक ठीक है जाके घर जाने, पार्टी होगी उसके बाद ना फाइल सबमिट करने की कोशिश में। कौन सी क्लास है, हाँ थर्ड ईयर है इसमें, हो गया चलिए।